हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 8:15 और मैं नहा धोकर पूजा करके एकदम फ्रेश हो गई हूँ। और अभी मुझे बनानी है चाय और भाखरी। और अभी बाला भाई और अश्विन तो जागे नहीं है, तो पहले बापूजी के लिए मैं चाय बना देती हूँ और अश्विन और बाला भाई जब जागेंगे तब उसके लिए भाखरी बनाऊंगी। और बापूजी तो नाश्ता करते नहीं है तो उसके लिए सिर्फ चाय बनाऊंगी। तो अभी बापूजी गए हैं दर्शन करने के लिए मंदिर पे, तो जब वो आएंगे तो चाय बना दूंगी। और पहले तो ये बर्तन है उसको पोछ के सही तरह से रख दूंगी, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। और हाँ, 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि काम भी बहुत सारा था और लो भी फील कर रही थी। तो आज हम व्लॉग बनाएंगे और बहुत ही धमाल मस्ती करेंगे। तो आज पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी यहाँ पर बापूजी ने चाय पी ली है। और बापूजी आज क्या मंदिर है जी? एवा अक्षर मंदिर होती नौ पैचा तो आज बापूजी हमारी सोसाइटी में BAPS का हरि मंदिर है, संस्कार धाम जिसको बोलते हैं, तो बस वहीं पे गए थे। और बाजू में है राम जी मंदिर एक मकान छोड़ के, तो वहां पर गए थे। अक्षर मंदिर तो आज दूर हो गया, चाय पीने भी बाकी थी इसलिए आज नहीं गए। और फिर अभी सोचेंगे चाय पीने के बाद जाएंगे कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी बजे है 9:45 और मैंने यहाँ पर भाखरी बना दी है। बाला भाई नाश्ता करके बैठ गए हैं, सबसे लेट जाके फिर भी सबसे पहले नाश्ता करके फ्री हो गए हैं। और अभी हमारे शेठ क्या कर रहे हैं हम दिखा दे आपको। पूजा कर रहे होंगे शायद, तो कहाँ पर है पूजा कर रहे। तो अभी उसकी पूजा फिनिश होगी, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, तो 10 बज जाएंगे, उसके बाद हमारा काम होगा स्टार्ट। अभी ये बाबूजी गेहूं लेके आए हैं, तो सब देख रहे हैं कि कौन से गेहूं अच्छे हैं। ये कौन सा अच्छा है तो बोल। ये थोड़ी हाराज कहीं बेकच्चे तो झीणा तो बहुत है। हाँ, तो ऐसे है गेहूं में, मुझे पता नहीं चलता। ये लोग सब डिसाइड करेंगे कि कौन से गेहूं लेने हैं, हम तो रोटी बना देंगे जो गेहूं लेने होंगे। बाला भाई कया घोहारा छे? तो ऐसा है। और नाश्ता हो गया? नाश्ता हो गया फर्स्ट क्लास। हो अभी जो गाँव देखने जाने का है, अच्छा अच्छा एक दो जगह पे कौन सा बढ़िया गाँव है। इस और बार गाँव की मार्केट तो अच्छी है, ऐसी ही रहनी चाहिए, फिर उसको थोड़ा आराम मिलेगा। और हमारे अभी खेडूत को आराम मिलेगा, लेकिन हमको खेडूत को आराम मिलेगा तो हमको भी आराम मिलेगा ना। अच्छा, और क्या प्लान आज का? जो अभी जाते है बाको लेके, थोड़ा मेरा मौसी बीमार है तो उसको दवाखाने पे एडमिट किया है। एडमिट किया था, उधर तो खबर पूछने के लिए वहाँ पर जाएंगे दोनों अभी। और वहाँ से आने के बाद फिर दुकान पे। हाँ, दुकान पे तो कभी भी काम है नहीं, 12 बजे जाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी बज गए 12:30 और अश्विन बापू लेके आ गए वापिस, और बापू यहाँ पर छोड़ के वो गए हैं दुकान पे। तो अभी मैंने दोपहर के खाने में मूंग और राइस बना दिया है, और अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। तो आटा गूंद के फिर रोटी बनाएंगे और फिर खाएंगे। तो अभी अश्विन जब आते हैं, अश्विन और बाला भाई, तब हम खाना खाने बैठेंगे। तब तक मैं रोटी बना देती हूँ फटाफट, अभी ये बन जाएगी रोटी। चलो तब लोग खाना खाने। तो हम सब अभी खाना खाने बैठ गए हैं 1:15 बजे। तो अभी खाना खाने के बाद काम करके सो जाएंगे, फिर उठ के कुछ नया करेंगे। Yeah.
अभी यहाँ से गुफा है तो ऐसे अंदर जाना है। ये अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर। तो मैं और अश्विन अभी आए हैं भवनाथ में। तो यहाँ पर जो दामोदर कुंड है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो उसके सामने है राधा रमन देव का मंदिर। तो वो उसमें तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने वहाँ पर फोटो या वीडियो नहीं ली है। और यहाँ हम जो पीछे ही गए थे तो वो है मुचकुंद महादेव जी का मंदिर। तो वहाँ पर हम दर्शन करके अभी आए हैं स्वयं भूलिंग उधर। हाँ, और अभी हम यहाँ से दामोदर कुंड आपको दिखाते फिर कहाँ जाने वाले हैं। सदियों पुराना है यहाँ पे मंदिर। हाँ चलो यहाँ। फिर यहाँ से आगे कहाँ जाने वाले हैं देखते हैं। तो जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे। चलिए यहाँ पे दामोदर है। ये है दामोदर कुंड जो नरसिंह मेहता थे उसको दामोदर भी बोलते थे इसीलिए उसको इसका नाम दामोदर कुंड पड़ा यहाँ पर देखिए नरसिंह मेहता की ये तस्वीर भी लगी है तो इसीलिए इसको दामोदर कुंड बोलते हैं। और ये बहुत ही प्राचीन है जैसे गंगा नदी में नहाने से सब ऐसे पाप धुल जाते हैं ऐसे बोलते पवित्र माना जाता है वैसे ये दामोदर कुंड जूनागढ़ में जो है इसको भी इतना पवित्र माना जाता है। चलिए। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अगर किसी का देहांत हो जाए तो उसकी जो विधि होती है वो यहाँ पर करने आते हैं सब और उसके बाद जो पानी उसको मोक्ष मिल जाता है ऐसी मान्यता है। हाँ तो ऐसा सब कुछ है यहाँ पर। तो ये देखिए अभी तो सब ऐसे ही नहा रहे लेकिन जब मतलब हर लोग जैसे गंगा नदी को मानते हैं वैसे ये दामोदर कुंड को भी ऐसे पवित्र मानते हैं तो ऐसा है सब कुछ। गिरनर से ठंडा पानी आता है सब लोग मजा भी ले रहे हैं। हाँ और ये बारिश के मौसम में तो बहुत ही अच्छा इसका नज़ारा होता है। ये मतलब ये पूरी तरह से जो कुंड है ना तो ये ऊपर की तरफ भी ऐसे सब जगह पानी रहता है तो तब का नज़ारा कुछ अलग होता है। अगर आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। ये भी यहाँ पर मजा ले रहा है देखो। तो ये अभी हम जा रहे हैं विलिंगटन डैम के रास्ते और ये देखिए यहाँ पर मोर ऐसे जंगल में तो बहुत मोर मिल जाते हैं आगे भी देखना। और ये रास्ता जाता है विलिंगटन डैम तो हम वातावरण हाँ आसपास ये सब पेड़ वगैरह है रुके सूखे फिर भी मस्त ठंडा वातावरण है। तो अभी हम जा रहे वहाँ पर तो अभी तो बस ऐसा ही एकदम शांत माहौल यहाँ पर है पूरा ये इस तरफ जहाँ भी आपकी नजर जाए उस तरफ कितने मोर। हाँ यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे मोर हैं और आगे ना एक बंदर भी आ रहा है मैं आपको दूर से ही दिखाऊंगी। चलिए ये तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। ये देखिए बहुत सारे बंदर यहाँ पर खाना खा रहे हैं सब और सब लोग इसको खाना खिला रहे हैं बिस्किट वगैरह सब ये देखिए। तो ये है विलिंगटन डैम। तो यहाँ पर सब ये रास्ते पे फोटोग्राफी ऐसे करते हैं और सामने की तरफ जो वहाँ पर पत्थर दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे भी जाते हैं फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए। और यहाँ पर ये पानी तो सूख गया बहुत। हाँ बहुत पानी सूख गया है कैसे जाने तो देखो गिरनार में भी सब लकड़ी सब पेड़ सब सूख गए। जैसे ये बारिश का मौसम होता है ना उसके बाद तुरंत दीपावली पे या आते हैं ना तो बहुत ज्यादा यहाँ पर पानी रहता है। और यहाँ पर देखिए इतना कम दिख रहा है लेकिन इतना पानी बहुत कम है इस बार तो गर्मियों में तो ऐसा हो जाता है लेकिन बारिश के मौसम के बाद तुरंत बाद तो ज्यादा पानी रहता है इसमें। लोग कहते हैं इसमें डुबकी लगाने से मगर खा जाता। लोग भी कहते हैं हम भी कहते हैं कभी डुबकी नहीं लगानी चाहिए। तैरना नहीं आता है तो रिस्क नहीं लेना। हाँ और हम आए थे यहाँ पर हमारी शादी जब हुई थी ना तो उसके बाद हम गांव आए थे तब हम यहाँ पर आए थे तो 2 साल के बाद वापस यहाँ पर अभी आ रहे ऐसे ही प्रोग्राम हो गया तो आगे। हाँ आज ऐसा कुछ काम था नहीं तो सोचा कि चलो शेयर करते हैं तो फिर घूमते घूमते आ गए यहाँ पर।
और जूनागढ़ में ऐसा है कि घूमने की कोई भी आपको जगह पूछो किसी को भी कहाँ पर जाना है तो बोले भवनाथ। भवनाथ में ही इतनी सारी जगह है तो सब बस यहीं पे घूमने आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर वगैरह, वो भी है और घूमने वाली सब चीज़ें भी, जंगल है, फिर ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मज़ा आता है। तो ऐसा है सब। यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ जाती है ना, वो ऊपर दातार है, वहाँ पर जाती है। एक 2300, हाँ तो 2300 सीढ़ियाँ है वहाँ पर जाने के लिए। जैसे गिरनार है उससे तो बहुत ही कम है, तो सब लोग यहाँ से दातार भी जाते हैं। मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन कभी जाएंगे। अभी हम घूमते घूमते आए हैं यहाँ पर सब्जी मंडी, तो सब्जी लेने के लिए, तो ये हमने ले ली है। और अभी मेथी भाजी लेने के लिए अशुन गए हैं, तो मैं यहाँ पर गाड़ी के पास खड़ी हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे घर पे नहीं, पहले बर्फ़ लेने जाएंगे। अश्विन को दुकान के लिए बर्फ़ लेना है, बर्फ़ लेने के बाद हम घर पे जाएंगे। तो ऐसा सब है, तो अभी अश्विन आ दे तो हम यहाँ से निकलेंगे। ये यहाँ पर हम बर्फ़ लेने आए हैं, देखिए ऐसे इसको कट करके कैसे उठाते हो, देखिए। पूरा ऐसे बर्फ का ही कारखाना है। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं घर पे और अभी 7:15 बज गए हैं और मुझे यहाँ पर छोड़ के अश्विन चले गए हैं दुकान पे। और बा और बापूजी गए हैं विठल भाई के ससुराल, तो वहाँ वो गए ही नहीं थे, तो सोचा कि जाकर आए, तो वहाँ पर गए हैं। रात रुकने वाले हैं तो सुबह आएंगे, और फिर 2 दिन के बाद वो जाने वाले हैं सूरत, तो इसलिए वो आज गए हैं बीजापुर। तो अभी बस मैं घर पर अकेली हूँ और आज शाम का हमारा मेन्यू है वेजिटेबल सैंडविच। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल सैंडविच। तो अभी वो तो वैसे सबको ही पता है कि वो कैसे बनती है, तो उसकी रेसिपी तो हम नहीं डालेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको कल नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे कल नए वीडियो के साथ। बाय।